हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम साइज 32 इंच कटोरी वाला ब्लाउज सिलना सिखाएंगे, तो आप हमारी वीडियो का अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आगे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो देखिए, इसको हमें इस तरह से रख के सिलाई लगानी है, ठीक है। और पिछली वीडियो में हमने इसकी कटिंग करी थी, तो अगर आप लोगों ने कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जरूर देख लें। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से कटोरी वाला ब्लाउज बनाया है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो अब हम इसमें कटोरी सिलेंगे। तो अत्तर वाली कटोरी को देखिए इस तरह से रखेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बंद सिलाई लगाएंगे। हमने कटोरी को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर मैन कपड़े वाली कटोरी लेंगे, तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। इससे हमारी सिलाई दिखेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पर इसको बराबर करेंगे और साइड से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पार्ट में कटोरी को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर कटोरी को बराबर करेंगे और यहाँ पर प्लेट का निशान लगाएंगे। तो लंबाई में हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और चौड़ाई में 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से तिरछे में इसको सिलेंगे। यहाँ पर हमें कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी कटोरी कुछ इस तरह से आई है। इसमें देखिए दोनों तरफ से हमारी सिलाई नहीं दिख रही है। तो अब हम यहाँ पर बेल्ट सिलेंगे। तो इसको हमें इस तरह से रख के आधा इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पर सिलाई लगानी है। फिर हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे और सीधी तरफ से हमें सिलाई लगा लेनी है चारों तरफ से, ठीक है। तो हमने बेल्ट को सिल लिया है, इसको इस तरह से सिलेंगे। तो दोनों की सीधी साइड हमें आमने सामने रखनी है और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर इस तरह से कट लगा देंगे और इसमें हमें सीधी तरफ से दाब सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने बेल्ट को भी सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरा पल्ला तैयार किया है। देखिए दोनों पल्ले हमारे बराबर आए हैं। तो पल्ले को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर हमें पट्टी को रख लेना है और फिर सिलाई लगा लेंगे। इस वाले पल्ले में हमें आई वाली पट्टी सिल लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने आई वाली पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा पल्ला लेंगे और इसमें हुक वाली पट्टी सिलेंगे। तो पल्ले को सीधा रखेंगे और यहाँ पर हमें पट्टी को रख लेना है और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर दाब सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी पट्टी कटिंग करेंगे, फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, ठीक है। सिलाई यहाँ पर हमें बड़ी लगानी है क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने हुक वाली पट्टी को भी सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सीधा रखेंगे
और गले की पाइपिंग से लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे सीधी तरफ से, और फोल्ड करके हमें गले के ऊपर इस तरह से पट्टी को सिल लेना है। बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके हमें सीधी तरफ से सिलाई लगानी है, इससे हमारी पाइपिंग बनती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक पल्ले में पाइपिंग को सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले में भी पाइपिंग को सिला है। अब हम यहाँ पर दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और बीच में सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को हम बाद में निकाल देंगे फिटिंग करने के बाद। तो यहाँ पर हमारा आगे वाला पल्ला सिलकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर फिटिंग वाला निशान लगाएंगे। तो कमर की चौड़ाई हमारी 26 इंच है, तो 26 को आधा करेंगे तो 13 इंच पर हमें निशान लगाना है। और सीने की चौड़ाई हमारी 32 इंच है, तो 32 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 16 इंच पर निशान लगाना है। और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, शोल्डर सिलेंगे। तो इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे, और यहाँ पर हमने पीछे वाला पल्ला लिया है, इसमें हमने बैक डिजाइन बनाई है बटरफ्लाई वाली, देखिए कितनी सुंदर सी बनी है। तो इसकी हमने अलग से वीडियो बनाई है, आप चाहे इस वीडियो को भी देख सकती हैं। तो इस पल्ले की सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और यहाँ पर हमें साइड फिटिंग कर देनी है। तो जहाँ पर हमारा निशान लगा है वहीं पर हमें सिलाई को लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक तरफ से सिलाई लगा दी है, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दी है, साइड में हमें इस तरह से सफाई के साथ कटिंग कर देना है। दोनों तरफ से हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। और साइड में हमें कट भी लगा देने हैं, इससे क्या होगा कि जो हमारे खुचने हैं वो नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो हमने कट भी लगा दिए हैं। अब हम यहाँ पर बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी सिलाई उधेड़ दी है बाजू सिलने के लिए, और यहाँ पर हमने डिजाइन वाली बाजू बनाई है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो डिजाइन वाली बाजू किस तरह से बनाते हैं, तो इसकी भी हमने अलग से वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकती है। तो अब हम यहाँ पर बाजू को इस तरह से नापेंगे, और नापने के बाद हम इस तरह से बाजू को सिल लेते हैं। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हम यहाँ पर सिलाई को लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की फिटिंग करेंगे। तो बाजू की मोरी हमारी 11 इंच है, तो 11 को आधा करेंगे तो 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। इसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पर हमने देखी बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे, तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। और इस तरह से हमारा कटोरी वाला ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया है। तो इसको हमने किस तरह से सिला है तो वो आप लोगों को हमने सिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।